नमस्कार। जैसा कि इससे पहले वीडियो में अपने दिल्ली का समीकरण पर चर्चा कर रहे थे, उसमें मैंने आपको दिल्ली का समीकरण को हल करना गुणनखंड विधि से बताया था। उसमें अपने ये देखा था कि कोई भी यदि अपने को दिल्ली का समीकरण दे रखी है, उसको अपने हल करना है, तो गुणनखंड विधि से उसको कैसे हल करते हैं, ये अपने पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं। उसमें ये देखा था अपने कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया गया था। उसके अपने दो मूल निकाले थे, दोनों मूल जो है उस द्विघात समीकरण को बहुत संतुष्ट करते थे। आज उससे आगे थोड़ा सा उसी द्विघात समीकरण को ही अपने दूसरी विधि से हल करना। उस दूसरी विधि का जो नाम है वो है पूरक वर्ग बनाने की विधि। मतलब जो भी अपने को इक्वेशन दे रखी है, जो भी अपने को समीकरण दी हुई है, उस समीकरण को पहले पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। तो इस विधि में अपने देखते हैं कि इस दी हुई समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके अपने कैसे हल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पूर्ण वर्ग के बारे में बता दूं। जैसे अपने जानते हैं कि पूर्ण वर्ग जिसका अपने पूरा पूरा वर्गमूल ले सकते हैं, जैसे एक जो है वो एक का वर्ग, इसी प्रकार चार जो है वो दो का वर्ग है, नौ तीन का वर्ग है। इसी प्रकार यदि आपको कोई व्यंजक दिया हुआ है, उसको अपने पूर्ण वर्ग पहले किस प्रकार से बनाएंगे। मीन्स जैसे अपने जानते हैं ए स्केयर प्लस दो ए बी प्लस बी स्केयर बराबर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्केयर होता है। मीन्स ए स्केयर प्लस दो ए बी प्लस बी स्केयर का रूप जो है व्यंजक का, ये एक पूर्ण वर्ग रूप है। क्यों? क्योंकि इसके बराबर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्केयर है। मीन्स ये जो है ए स्केयर प्लस दो ए बी प्लस बी स्केयर, ये ए प्लस बी का होल स्केयर है, ए प्लस बी का वर्ग है। तो इसलिए अपने ए स्केयर प्लस दो ए बी प्लस बी स्केयर को एक पूर्ण वर्ग कह सकते हैं, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। तो दी गई समीकरण को पहले इस रूप में अपने कन्वर्ट करेंगे, इस रूप में अपने उसको बना करके फिर अपने उसके मूल निकालेंगे, उसके मूल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले उसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने पृथ्वी का समीकरण दे रखी है, उसको कैसे पूर्ण वर्ग बनाना है, पहले ये देखना है कि क्या वो पूर्ण वर्ग रूप में अपने पास है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको अपने पूर्ण वर्ग बनाएंगे और फिर उसके मूल निकालेंगे। जैसे समीकरण अपने को दी हुई है दो एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। अब ये समीकरण इस रूप में नहीं है क्योंकि यहां पर ए स्केयर, बट यहां पर जो है वो अपने पास दो एक्स स्केयर है, ए स्केयर का रूप नहीं है। तो पहले अपने इसको ए स्केयर प्लस दो ए बी प्लस बी स्केयर के रूप में बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? तो दो को, क्योंकि दो इस एक्स स्केयर का जो गुणांक है वो दो है, अब दो पूर्ण वर्ग नहीं है। दो को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको दो से गुणा कर दो। तो इसका मतलब अपने को पूरी समीकरण को ही दो से गुणा करना पड़ेगा। तो अपने यदि इसको दो से गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा चार एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस छह बराबर जीरो। अब अपने को ये पता चल गया कि चार एक्स स्क्वायर जो होता है वो दो एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब अपने चार एक्स स्क्वायर को दो एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहां पर जो आइडेंटिटी बनेगी, यहां पर जो सरल समीकरण बनेगी पूर्ण वर्ग, यहां माइनस वाली ए स्क्वायर माइनस दो ए बी, तो यहां पर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर माइनस दो ए बी अपने को बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? दो तो सरल समीकरण गुणा करना ही करना है, वो ए अपने पास क्या है, ए के रूप में अपने पास क्या है, दो एक्स है। तो यहां पर दो एक्स इंटू, अब अपने को यह देखना है कि यहां पर अपने पास कितना है, माइनस दस एक्स है। अब यहां अपने को माइनस दस एक्स बी बनाना है, तो यहां पर अपने पास दो इंटू दो एक्स चार एक्स तो हो गया। तो इसका मतलब इस चार एक्स को अपने कितने से गुणा करें कि वो माइनस का दस एक्स बन जाए। अब इस चार एक्स को यदि आप पांच बटा दो से गुणा करोगे तो माइनस का दस एक्स बनेगा इसके बराबर। इसका मतलब ये चीज अपनी माइनस दस एक्स के बराबर बन गई। तो यहां पर अपने पास पांच बटा दो का अपने जो है ना इसको गुणा किया, तो इसका मतलब ये दस एक्स के बराबर बना दिया और ये प्लस छह बराबर जीरो। लेकिन अब अपने को यहां से ये लगा कि जो दो ए बी का जो रूप बनाना था, ए तो अपने पास दो एक्स था, अब बी के रूप में अपने पास क्या आया, पांच बटा दो। अब ये पांच बटा दो तो बी का रूप है,
अब इसको पोलर बल बनाने के लिए प्लस बी स्क्वायर की चाहिए अपने को। अब प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो बी का मान अपने पास कितना आया था, 5/2, तो प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये 5/2 का होल स्क्वायर हमने अपनी तरफ से समीकरण में प्लस किया है। अब यदि 5/2 का होल स्क्वायर प्लस किया है तो उतना माइनस भी करना पड़ेगा, ये माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बने इसमें और फिर प्लस 6 बराबर 0। अब यहां तक तो यहां पर सरसमीका बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां तक अपनी जो सरसमीका बन गई 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 25/4 प्लस 6 बराबर 0। तो 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, ये 25/4 और 6 का पक्षांतरण करके अपने इसको दाएं पक्ष में देंगे तो दोनों के साइन चेंज हो गए। इसको सॉल्व किया, 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 24/4। इसको यदि अपने हल करते हैं, 25/4 माइनस 6 को यदि अपने हल करेंगे तो 25 माइनस 24/4। अब इसको आगे भी हल करोगे तो 1/4। अब ये हमारे पास इधर 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब अपने को दोनों ओर का वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब अपने दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे तो 2x माइनस 5/2 बराबर 1/4 का भी मूल होता है वो प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पर अपने प्लस माइनस 1/2 1/4 का मूल लिख दिया। अब 2x माइनस 5/2 प्लस माइनस 1/2 का मतलब एक बार अपने 1/2 प्लस का रखेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर अपने उसके बाद जो है वो बराबर में माइनस का 1/2 रख के हम x का मान निकालेंगे। तो पहले हमने क्या किया, केवल 1/2 प्लस का रखा तो 2x माइनस 5/2 बराबर 1/2। तो यहां से 2x की वैल्यू बराबर किसके आ गई, 1/2 प्लस 5/2। इसको सॉल्व किया तो x का मान अपना आ गया 3। अब इसी प्रकार अपने x का दूसरा मूल निकालना है तो x का दूसरा मूल निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, अब इसके बराबर जो है वो 1/2 जो है वो माइनस का रखेंगे। पहले अपने प्लस का 1/2 रख लिया तो अब यहां से 1/2 जो है वो माइनस का इधर आ गया। इसको अपने सॉल्व करेंगे तो 2x/2 तो x का मान जो है वो इससे 1 आ गया। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण 1 आ गया। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण के जो दो मूल है कौन कौन से, 1 तो 3/2 और 1, ये दोनों ही मूल जो है वो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये तो एक तरीका हो गया इसका, कोई भी अपने को द्विघात समीकरण दी हुई है उसको पुनर्वर्ग किस प्रकार से बनाना। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को इसी पुनर्वर्ग विधि बनाने की विधि से ही एक दूसरे तरीके से एक दूसरा मेथड लगा करके इसको हल करते हैं। इसमें भी अपने पुनर्वर्ग बनाया था तो एक दूसरे मेथड से दूसरी विधि से अपने इसको पुनर्वर्ग कैसे बनाना है वो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं। अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अपने इसी क्वेश्चन को जो है अभी अभी जो किया क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अपने दूसरे मेथड से पुनर्वर्ग बना करके हल करते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, जैसे पहले मैंने आपने क्या किया था, इसका स्क्वायर बनाया था एक का। अब इसमें देखो कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है अपने को एक करना है, x स्क्वायर का गुणांक एक करना है। तो एक यहां पर अपने पास जो x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो ये 2 कब होगा, 2 का 1 कब होगा, जब अपने इसको वापस 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब अपने पूरी समीकरण को जो है वो 2 से भाग कर दिया। तो जैसे 2 से भाग किया तो समीकरण बन गई x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 बराबर 0। पूरी समीकरण को अपने 2 से भाग कर दिया। अब जो है दूसरा स्टेप जो अपना है वो जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में ले आओ, प्लस का 3/2 इधर कांस्टेंट है इसको अपने राइट हैंड साइड में ले आए तो माइनस का 3/2 हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अपना उसमें अपने क्या करेंगे कि x के गुणांक का आधा कर दो, मतलब जो b का मान है, जो समीकरण का जो रूप होता है द्विघात समीकरण का जो रूप है वो ax2 + bx + c = 0 होता है, ये अपने पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहां पर जो b का मान है मींस जो x का गुणांक है x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग कर दो,
मतलब ये देखो x का गुणांक यहाँ पर 5/2 है, 5/2 का अपने यदि आधा करेंगे तो 5/4, मतलब उसको 1/2 से गुणा किया तो 5/4। अब 5/4 जो इसका आधा है उसका वर्ग कर दो, 5/4 का जो वर्ग है वो 25/16 है, तो ये जो 25/16 है ये समीकरण के दोनों साइड में जोड़ दो, दोनों साइड में जोड़ दिया 25/16 को, तो x² - 5/2x + 25/16 और बराबर अपने पास था -3/2, x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग कर दो, मतलब ये देखो x का गुणांक यहाँ पर 5/2 है, 5/2 का अपने यदि आधा करेंगे तो 5/4, मतलब उसको 1/2 से गुणा किया तो 5/4। अब 5/4 जो इसका आधा है उसका वर्ग कर दो, 5/4 का जो वर्ग है वो 25/16 है, तो ये जो 25/16 है ये समीकरण के दोनों साइड में जोड़ दो, दोनों साइड में जोड़ दिया 25/16 को, तो x² - 5/2x + 25/16 और बराबर अपने पास था -3/2, इसमें भी अपने जो है वो 25/16 प्लस कर दिया। तो अब उसके बाद अपने इसको सॉल्व करना है, इधर तो वो आइडेंटिटी लग गई, सरलता लग गई, a² - 2ab + b², मतलब वो क्या होता है a - b² आप यदि इसको वापिस इसका एक्सप्लेन करोगे तो यही चीज आएगी वापिस, तो इसकी जगह अपने लिख सकते हैं x - 5/4² इसका मतलब ये जो अपना बायां पक्ष है ये पूरा वर्ग बन गया, a² - 2ab + b² का रूप बन गया है, क्योंकि इसके बराबर जो है वो मान अपना x - 5/4² है, तो x - 5/4² तो इसके बराबर आ गया, और बराबर में अपने पास इसको सॉल्व कर दिया एलसीएम लेकर के, तो पहले हमने क्या किया ये -3/2 इसको सॉल्व किया एलसीएम दिया 16, तो 1/16, अब दोनों ओर का आपने वर्गमूल लेना पड़ेगा क्योंकि इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने दोनों ओर का वर्गमूल लिया बराबर इसका, तो 1/16 का वर्गमूल जो है वो ±1/4, यहाँ पर अपने वर्गमूल जो लेना है वो प्लस माइनस दोनों में ही लेना है, प्लस में भी 1/4 है 1/16 का वर्गमूल, और माइनस में भी 1/4 है वो 1/16 का वर्गमूल है, तो इसका मतलब अपने को बराबर में प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 दोनों अलग अलग रख के जो है वो अपने एक्स के दोनों मूल निकालेंगे। तो पहले हमने क्या किया x - 5/4 के बराबर 1/4 प्लस का रखा, तो इस प्रकार से हमने इसको हल किया एलसीएम लेकर के, ये 5/4 पक्षांतरण करके अपने दाएं पक्ष में ले गए प्लस का 5/4, तो इसको एलसीएम लेकर के हल किया तो मान आ गया इसका 3/2। इसी प्रकार अब जैसे मान लो ये प्लस का 1/4 अपने रख चुके, अब जो अपने रखेंगे x - 5/4 के बराबर क्या रखेंगे माइनस का 1/4, अब माइनस का 1/4 रखा, फिर आगे इसको एलसीएम लेकर के अपने सॉल्व करेंगे तो 4/4 मतलब 1। अब आप ये देखो चाहे आप इस विधि से कर दो चाहे अपने जो पहले विधि आपको मैंने बताई है उस विधि से कर दो, दोनों विधियों से आपको आपके सेम आया 3/2 और 1, तो जो भी विधि आपको दोनों विधियों से आपको आपके सेम आया 3/2 और 1, तो जो भी विधि आपको मतलब ये भी इसमें देख लो आप दोनों विधि किसी भी विधि से आप करके देख लो दोनों विधियों से आंसर आपके सेम आए, तो आप इससे मिलते जुलते आगे क्वेश्चन अपने और करते हैं, क्वेश्चन और करेंगे इसी विधि से ही उसको हल करना किस प्रकार से अपने पूर्ण वर्ग। तो उसके आगे क्वेश्चन है कि ये जैसे 2x² - 7x + 3 है, तो ये क्वेश्चन 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स आप खुद इसको सॉल्व करके देखोगे उसी विधि से, जो दो विधियां मैंने आपको बताई है उन दोनों विधियों से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखोगे अपने आप, और बाकी इसका जो डिस्क्राइब है वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है इस क्वेश्चन का डिस्क्राइब आपको बता दूंगा, एक बार ये आप क्वेश्चन खुद अपने आप इसको सॉल्व करके देखना। धन्यवाद।